नमस्कार दोस्तों, चाय में घुलने वाली चीनी आपके जीवन में मिठास तो लाती ही है, लेकिन हम आपको इससे जुड़े कुछ ज्योतिषीय उपाय बताने वाले हैं, जिसके मुताबिक चीनी आपको मालामाल भी बना सकती है। अगर किसी का सूर्य अगर कमजोर हो तो उसे मजबूत करने के लिए चीनी बहुत काम आती है। एक तांबे के पात्र में चीनी और पानी का घोल पीने से सूर्य की स्थिति मजबूत होती है। तो वहीं अगर किसी जरूरी काम के लिए जा रहे हैं और चाहते हैं कि वो पूरा हो जाए, तो एक रात पहले एक तांबे के बर्तन में पानी और चीनी मिलाकर रख दें। काम के लिए घर से निकलने से पहले इस पानी को पीने से काम का अच्छा परिणाम मिलने की उम्मीद बढ़ जाती है। इसी तरह राहु ग्रह पर चीनी का उपाय काफी असरदार रहता है। कुंडली में राहु की बाधा हो तो एक लाल कपड़े में चीनी बांधकर रात को सोते समय अपने तकिए के नीचे रखना चाहिए। ये उपाय आपको लगातार कई दिनों तक करना होगा। शनि ग्रह को शांत करने के लिए भी चीनी का उपाय किया जाता है। इसके तहत पिसी हुई चीनी और नारियल के बूरे को मिलाकर चींटियों को खिलाएं। माना जाता है कि इससे शनिदेव शांत होते हैं और उनकी कृपा प्राप्त होती है। पितृदोष से मुक्ति के लिए भी चीनी मददगार कही जाती है। इसके लिए आटे में चीनी मिलाकर रोटी बनाकर कौओं को खिलाई जाती है। इससे उपाय करने वाले व्यक्ति की परेशानी कम होती है, लेकिन इस उपाय को कई दिनों तक करना होता है, जिसके बाद ही इसका असर देखने को मिलेगा। इसके अलावा श्राद्ध पक्ष में रोज सुबह एक रोटी अपने पितरों के नाम से निकाल कर सुबह के समय किसी गाय को खिला दें। इस उपाय का तुरंत असर होता है और देखते ही देखते आपके बुरे दिन दूर होकर धन सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। अगर आपके व्यापार में मंदी आ गई या नौकरी में परेशानी आ रही है, तो ये उपाय सबसे अच्छा उपाय है। किसी साफ शीशे में सरसों का तेल भरकर उस शीशे को किसी बहती नदी के जल में डाल दें। इसके बाद मन ही मन इस प्रकार प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, मेरी आर्थिक उन्नति के मार्ग की सभी बाधाओं को दूर करके धनागमन का रास्ता खोल दें। शीघ्र ही मंदी का असर जाता रहेगा और आपके व्यापार में जान आ जाएगी और धन के आगमन की गति में वृद्धि हो जाएगी। अगर आपका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, तो सबसे अच्छा उपाय है कि बुधवार के दिन एक तोता पिंजरे सहित खरीद कर लाएं तथा उस तोते को किसी खुले स्थान पर आजाद कर दें। तोता उड़कर जितनी दूर जाएगा, उतना ही आपके व्यापार में मुनाफा बढ़ेगा। इस उपाय को आप एक बार से भी ज्यादा कर सकते हैं। अगर घर में कोई बहुत ज्यादा बीमार रहता हो या उस पर दवाइयों का असर नहीं हो रहा है, तो इसके लिए लाल किताब में एक उपाय बताया गया है। इस उपाय में रात को 1 रुपए का सिक्का सिरहाने के नीचे रख कर सो जाएं। सुबह उठकर उस सिक्के को शमशान में फेंक दें और बिना पूछे मुड़कर देखे वापस आ जाएं। जल्दी ही बीमारी खत्म होनी शुरू हो जाएगी। कुंडली टीवी डेस्क से दीक्षा गुप्ता की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।